के पास इस तरह लगेगा जैसे कि हम अपने गैलरी में खड़े हुए फ्रेंड्स हैं। लेकिन हमारा मकसद है उन व्लॉग के लिए जिनके पास अच्छे कैमरे मौजूद नहीं है और ड्रोन कैमरे नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं जो फ्राइडे सैटरडे संडे को जो है फिश होगी यहाँ पर। अच्छा, फिश वगैरह भी आप लगाएंगे यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ दुकानें सिर्फ एक दो। ये साबित होता है कि वीवो के मोबाइल बोया M1 के लिए बने हैं और व्लॉग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आज मनोड़ा बीच पार्क की सैर भी कराऊंगा, मोबाइल की क्वालिटीज़ भी बताऊँगा और रिजल्ट, जूमिंग, पिक्सल सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें फ्रेंड। आज हम मौजूद है मनोड़ा बीच पार्क पर और ये बीच पार्क बहुत यूनिक बना हुआ है और यहाँ पर आकर काफ़ी लोग व्लॉग बना रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद है उन व्लॉग के लिए जिनके पास अच्छे कैमरे मौजूद नहीं है और ड्रोन कैमरे नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मोबाइल्स बताऊंगा जो आपके बड़े काम का है। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स है जो व्लॉग बनाते हैं लेकिन उनके पास अच्छे कैमरे और अच्छे ड्रोन कैमरे नहीं होते, लेकिन आपको मैं ऐसा मोबाइल बताऊंगा फ्रेंड्स जिसमें आपकी वॉइस क्वालिटी और सबसे मेन बात पिक्सल क्वालिटी, जूमिंग क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी, बोया M1 का माइक जो आपको वो क्वालिटी देगा सिर्फ वीवो मोबाइल V21e में। आज मैं वीवो V21e का रिजल्ट, जूमिंग, पिक्सल सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें फ्रेंड्स। ये वीडियो यूट्यूबर और जो हमारे फ्रेंड व्लॉग के अलावा भी वीडियो वगैरह बनाते हैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, तो मैं आपको आज मनोड़ा बीच पार्क की सैर भी कराऊंगा, मोबाइल की क्वालिटीज़ भी बताऊंगा और इस पार्क में क्या क्या क्वालिटीज़ है वो सब कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। पार्क आपको बार ममालिक के पार्क से कम नहीं नज़र आएगा क्योंकि साहिले समंदर के पास इस तरह लगेगा जैसे कि हम अपने गैलरी में खड़े हुए फ्रेंड्स। आप जब अंदर इंटर होंगे तो आपके 20 रुपये टिकट है, लेकिन ये एक ज़बरदस्त किस्म का बेंच बनाया हुआ है फैमिली के लिए बैठने के लिए, एक रूम की तरह बना हुआ है फ्रेंड्स और बहुत अच्छा व्यू है इस बेंच का। आप आराम से अपनी फैमिली को ला सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आ गए आम दिन पर थोड़ी देर के लिए तो फ्री है, लेकिन आपको मुस्तकिल पूरे दिन के लिए चाहिए तो यहाँ के फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूँ, 500 रुपये चार्जेस है इस बेंच के, कम से कम 500 रुपये आपसे लेंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सारा सिक्योर मामला है और सबसे मेन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है ना सारा सिक्योरिटी नेवी के हाथ में है और बहुत अच्छा माहौल है। और फ्रेंड्स काफ़ी हमारी फैमिलीज़ ऐसी होती है जो पर्देदार होती है और रश से हिचकिचाती है, लेकिन ये पार्क थोड़ा यूनिक टाइप बनाया हुआ है, अलग अलग पोर्शन दिए हुए, जैसे कि ये बना हुआ है तो दूसरी फैमिली आपसे काफ़ी दूर होगी। ये रियान भाई आप दिखाएं ज़रा, ये चेक करें आप कि कितना फासला है, ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही नीचे सीढ़ी दी हुई है, फिर आगे एक पोर्शन है, फिर उससे आगे पोर्शन है, ऐसे काफ़ी पोर्शन इन्होंने बनाया हुआ है इस पार्क पर। और आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी अगर दूसरे पोर्शन में जेंट्स भी हो तो, आप मज़े से इधर एंजॉय कर सकते हो। शाम का टाइम काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन हम आए दोपहर के टाइम व्लॉग बनाने के लिए और वीवो V21 की क्वालिटीज़ बताने के लिए कि कितना साफ साउंड आता है इस पर और कितना अच्छी जूमिंग और कितने अच्छे पिक्सल आ रहे हैं। हमारे काफ़ी दोस्त यूट्यूबर होते हैं और व्लॉग बनाते हैं, तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि वीवो के मोबाइल यूज़ करें अगर आपके पास अच्छे कैमरे नहीं हैं, और ख़ास तौर पर वीवो के वी के सीरीज़ बहुत ही प्यारे है। मैं सारा ये व्लॉग वीवो के V21e से बना रहा हूँ
आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर नज़ारा है, बिल्कुल साफ शफाफ नज़ारे, और मेन चीज़ के वॉइस क्वालिटी इसके साथ मैच होती है। बोया M1 का माइक बिल्कुल मैच होता है, इससे ये साबित होता है कि वीवो के मोबाइल बोया M1 के लिए बने हैं और विलोक के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सिंध गवर्नमेंट के इतने अच्छे पार्क ये बीच पार्क पे बना रहा है, काफ़ी ऐसा काम हो रहा है कराची पे। और ये देखें कि पौधे भी ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत जैसे खजूर के दरख्त है सारे और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और ये देखें कि सामने सीढ़ियाँ दी हुई हर पोर्शन के पास, आप एक पोर्शन क्रॉस करोगे तो आपको सीढ़ी नज़र आएगी और सीढ़ी के सामने ही आपको ज़बरदस्त किस्म का व्यू नज़र आएगा साहिल समंदर। और पानी भी यहाँ का बिल्कुल साफ और क्लीन है फ्रेंड्स। लेकिन मुझे एक दुख की बात ये हुई फ्रेंड्स कि यहाँ पर लोगों ने कचरा बहुत फैलाया है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं कि हमारे नेवी के अफसरान ने वर्कर्स लगाए, जो कचरा हम करके जाते ये हमारे बेचारे भाई जो सारी सफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं कि सारा साहिल समंदर इन्होंने साफ़ किया आ गए। और ये कितना टाइम लगता है बॉस इनको साफ़ करते हुए? इसको सुबह 8 बजे में शुरू होते हैं और शाम को 5-6 बजे तक, और 2 दिन में ये सारा साफ हो जाता है। और ये देख सकते हैं कितनी मेहनत वाला काम है कि 2 दिन लग जाते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये बेचारे सफाई करते हैं। और ये वो कोने से लेके, रियान भाई बताना वो ज़रा, वो दिखाना, वो सामने पहाड़ी के तरफ से लेकर कहाँ तक करते हो आप? वो देखे यहाँ से दिखाना रियान भाई ज़रा, वो पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारा ये साफ करते। 2 बंदे करते हो आप लोग? जी हम लोग 2 ही हैं। ये 2 बंदे, एक ये भाई है और एक वो भाई आपको नज़र आ रहा है सफाई करते हुए। रियान भाई दिखाना, ये देख ले, ये सारा जो हम गंद करके और कचरा करके जाते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि कितना कचरा है यहाँ पर साहिल पर। ये सारा कचरा हमने किया होता है यहाँ पर, लापरवाही है, का पी के यहीं फेंक देते और ये बेचारे सफाई करते। अगर ये बीच नेवी के हाथ में ना हो फ्रेंड्स तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सफाई होगी, बाकी बीच की तरह भी इनका हाल हो जाएगा। और साहिल समंदर को कितना साफ़ करे। और ये हमारे लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो इन साफ़ सुथरे इतने अच्छे बीच बनाने वाले हैं, उनका सपोर्ट करे, कम से कम कचरा ना फेंके, बदतमीज़ी नहीं करे, दूसरी फैमिलीज़ का ख्याल रखे, ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो और ऐसे अच्छे अच्छे पार्क बने ताकि आने वाले वक्त में और गवर्नमेंट को हौसला अफजाई हो, ताकि हमारा माहौल अच्छा होगा तो हमें ऐसे यूनिक जगह मिलेंगे। आपने देखा काफ़ी यूट्यूबरों ने यहाँ का वीडियो बनाई, लेकिन ये वाकई ये जगह लायक है वीडियो बनाने की। और दोस्तों आप देख रहे हैं वीवो मोबाइल का रिज़ल्ट कि कितना साफ़ और शफाफ आ रहा है। मैं अपने फ्रेंड से भी पूछूँगा कि कितना मज़ा आया है। रियान भाई ज़रा बताना कि इस बीच पार्क में कितना ज़बरदस्त व्यू है। हाँ तो फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों को भी यही मशवरा दूंगा कि यहाँ पर आएँ, इस ब्रिज पे बहुत प्यारी जगह बनाई है फैमिली के हिसाब से, यहाँ फैमिली को भी लेकर आएँ और ख़ुद भी आएँ। ये मुराद अली शाह से मैं यही अपील करूँगा कि अच्छी से अच्छी जगह कराची में बनाते रहें, ताकि हम लोगों की जितनी भी टेंशन है, मसरूफियात हैं, वो दूर हो जाएँ और हम यहाँ का विज़िट करें। और आप लोगों से भी विज़िट करने की अपील करेंगे कि यहाँ का विज़िट करें, बहुत प्यारी जगह बनाई है। कोल्ड ड्रिंक की दुकानें खुल गई, ओपन हो गई, 2-3 के मैं आपको इंटरव्यू बताऊंगा। सबसे पहले इस भाई को दिखाते कि इसने क्या क्या आइटम रखे हुए, अगर आप कुछ लाना भूल जाए तो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। तो सारा कुछ इसके पास अवेलेबल है। और कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या अवेलेबल है? कोल्ड ड्रिंक में हमारे तमाम किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक है, पानी है, ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। इसके अलावा हमारे पास फिश भी आने वाला है, जो फ्राइडे सैटरडे संडे को जो है फिश होगी यहाँ पर। अच्छा, फिश वगैरह भी आप लगाएंगे यहाँ पर? भी लगाएंगे। और यहाँ दुकानें सिर्फ 1-2 ही ओपन है अभी फिलहाल, तो 2 ओपनिंग हुई है। अच्छा, और आपको कितना टाइम हो गया? हमें तो 2 दिन हुए। 2 दिन हुए जी। और रिस्पॉन्स कैसा है यहाँ पे आवाम का? संडे को वीकडे में जो है थोड़ा रश, वीकडे में थोड़ा रश कम होता है, वीकेंड में थोड़ा रश ज़्यादा होता है। तो देखा नाज़रीन, यहाँ पर संडे पे काफ़ी रश होता है, लेकिन ये पार्क को ओपन हुए तकरीबन 1 हफ्ता ही हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दुकानें यहाँ खुलेगी, लेकिन ये भाई की दुकान अभी नई नई खुली है। आप देख सकते हैं,
अच्छा, और मेन्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। आहिस्ते आहिस्ते ये आइटम भी अपने बढ़ाएंगे जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पांस आएगा। देख सकते ये पकौड़े मिक्स का ये एक पिक नज़र आ रही है, जितने मेन्यू है। हाँ, बस पेरी बाइट भी होते हैं, चिकन निगेट्स भी होते हैं। अच्छा। चिकन सैंडविच भी होते हैं, तुर्किश पराठा रोल भी होते हैं, चिकन शाश्लिक भी होते हैं विद राइस के साथ, नमकीन टिक्का एंड फ्रेंच फ्राइज, ये सारे सबके पिक्चर लगाए हैं हमने। तो देखा दोस्तों आपको यहाँ पे बीच पार्क में हमने आपको दुकान का भी विज़िट कराया। ये शॉप जो है आपको ये है कि काफ़ी आपको सहूलियात यहाँ पर मिल सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आज मैंने आपको बताया Vivo V21e की क्वालिटी। Vivo V21 में जो क्वालिटीज़ है वो अच्छे कैमरे में आपको मिलेगी, आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, मेगापिक्सल आपको बताया, वीडियो शूट किए, जगह जगह के मनाजर बताए आपको। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और रियान भाई कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह हम दोबारा भी आएंगे और अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे, इस जगह पे विज़िट कराएंगे यहाँ का। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छे मोबाइल का आपको बताऊंगा, जो मोबाइल आपके व्लॉग के काबिल हो। ये वीडियो हमारे यूट्यूबर के लिए भी है और ये वीडियो हमारे दोस्तों के लिए भी है जो व्लॉग बनाते हैं, ऐसी शौकीन होते हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं। तो Vivo V21e की जो पिक्चराइज है वो काफ़ी कम मोबाइलों में होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्त आसिफ और मेरे दोस्त रियान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।